करण ने कैसे किया धर्मेंद्र और शबाना को लिप लॉक के लिए रेडी? क्या धर्मेंद्र शबाना को किस सीन के लिए राजी करना केजो के लिए था मुश्किल? करण ने धर्मेंद्र शबाना के लिप लॉक पर की बात। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने पहुंचे दर्शक फिल्म में रणवीर आलिया की केमिस्ट्री के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन जब वो थिएटर्स पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिला और स्क्रीन पर उन्होंने वेटरन एक्टर्स धर्मेंद्र और शबाना आजमी के बीच हुए किसिंग सीन को विटनेस किया। देखते ही देखते धर्मेंद्र और शबाना का लिप लॉक फिल्म की एक बड़ी हाईलाइट बन गया है। ऑडियंस और फैंस अब रॉकी और रानी से ज्यादा फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना की किसकी चर्चा करने में लग गए हैं। ऐसे में फिल्म के इस मच हाइप्ड सीन पर अब फिल्म के डायरेक्टर केजो ने चुप्पी तोड़ी है। करण से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या स्क्रीन पर इस लिप लॉक के लिए धर्मेंद्र और शबाना आजमी को मनाना उनके लिए रहा था मुश्किल, तो जवाब में करण ने कुछ ऐसा कहा जो आपके भी होश उड़ा देगा। करण ने कहा, धर्मेंद्र और शबाना दोनों ही लिपलॉक के साथ एकदम फाइन थे। केजो ने बताया कि उन्हें इसके लिए एक्टर्स को कन्विंस नहीं करना पड़ा। He said, two great veterans just performing with absolute aplomb, no questions asked. I needed it to be a pack. One of my all-time favorites is Abhi Na Jao Chhodkar, and it had to be their song because that's what she says in the dialogue about mall road walks, their rerun, their favorite song, and that became the thematic kind of connection of Rocky and Rani as well. वैसे फिल्म की किसिंग पर खुद धर्मेंद्र और शबाना का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। एक तरफ जहां धर्मेंद्र को लगता है कि रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, वहीं शबाना आजमी के लिए भी ये सिर्फ एक किस था। हालांकि लोगों ने इसे कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है और इसीलिए वो फिल्म की रिलीज के बाद से ही धर्मेंद्र और शबाना के किस को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे फोर्स बताया तो कुछ को ये अननेसेसरी लगा। और आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो।